बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की फ्लाइट में बदसलूकी के मामले में ये बड़ी खबर है। आरोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें कि बेंगलुरु से एक गिरफ्तारी हुई है। इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है कि उसे उसकी कंपनी ने नौकरी से भी निकाल दिया है। हालांकि एयर इंडिया की बात करें तो सिर्फ एक महीने तक सफर नहीं करने की ही पाबंदी थी, लेकिन जब यह मामला पूरे देश में तूल पकड़ता रहा उसके बाद से FIR भी दर्ज, कंपनी ने नौकरी से भी निकाल दिया। यानी अब जाकर एक्शन इस शख्स पे हो रहा है जिसने अमानवीय हरकत की थी। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है, बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई है। महिला से बदसलूकी का यह पूरा मामला है जिसमें आरोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है गया है और साथ ही साथ शंकर मिश्रा को उसकी कंपनी ने भी नौकरी से बेदखल कर दिया है। तो बड़ा एक्शन यहाँ पर देखा गया है। FIR दर्ज हुई जिसके बाद अब ये गिरफ्तारी हुई है, बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपी शंकर मिश्रा इस पूरे मामले में फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, पूरे देश के कई लोगों ने ट्विटर या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये मांग उठाई कि कौन वो शख्स है, उसका नाम पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। एयर इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक महीने कैसे सिर्फ उसके सफर पे पाबंदी लगा सकता है, इससे ज्यादा एक्शन होना चाहिए। जब इतना पब्लिक प्रेशर हुआ तब जाकर शंकर मिश्रा अब गिरफ्तार हो चुका है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है जिसने विमान में महिला के साथ बदसलूकी की थी। जब इस मामले ने तूल पकड़ा उसके बाद FIR दर्ज की गई और अब इस पूरे मामले में एक्शन ये देखा गया है कि शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी आनंद तिवारी का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपी की, और क्या कुछ जानकारी? अजी देखिए, दिल्ली पुलिस ने बेंगलोर से शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी की है। जिस वक्त पुलिस ने FIR दर्ज की थी उसके बाद उसके कॉल डिटेल को खंगाला गया। मुंबई के रहने वाला शंकर मिश्रा था लेकिन मुंबई में उसकी लोकेशन नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में ही दावा कर दिया था कि हम बहुत जल्द शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लेंगे और उसके कोई हाइड आउट जो है वो पुलिस को मिले थे बेंगलोर में, जिसके बाद पुलिस की टीमें, दिल्ली पुलिस की कई टीमें वहां पर रेड्स कर रही थी और जो उसके एसोसिएट्स हैं उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे दिल्ली लाया जाएगा और यहाँ पर उससे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि ये मामला काफी तूल पकड़ा था। जो उड्डयन मंत्रालय है उसने एयर इंडिया से इस पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब भी किए थे और जो फ्लाइट में जितने भी क्रू मेंबर वगैरह थे उनको भी सो कॉल्ड नोटिस जो है वो जारी किया गया था। तो इस पूरे मामले में अब शंकर मिश्रा से पूछताछ की जाएगी और उससे इस कस्टोडियल इंट्रोगेशन के बाद जो तमाम चीजें हैं वो भी अब पुलिस जो है वो पता लगाने की कोशिश करेगी। शुक्रिया आनंद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली लाया जाएगा शंकर मिश्रा को, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, आरोपी शंकर मिश्रा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। बहुत तेजी से रफ्तार से गाड़ी आई थी, धूल उड़ाते हुए जा रही है, देखिए।